हाय गाइस, वेलकम बैक। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि कुछ लोग ऐसे पूछते हैं कि अगर इंग्लिश हमें नहीं आएगी तो क्या कोई दिक्कत आएगी हमें लाइफ में। देखो, अगर आप ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आती है या फिर अगर आपको ठीक से लिखनी नहीं आती है तो कोई दिक्कत आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन लाइफ में अगर आपने किसी भी फील्ड में ग्रो करना है ना, तो इंग्लिश आपको बोलना और लिखना सही ढंग से आना चाहिए, तभी आप लाइफ में ग्रो कर पाओगे। ये आपका भी एक्सपीरियंस होगा और काफ़ी सारे लोग जो हैं इस बात को एक्सपीरियंस करते हैं। मैंने भी इस बात को एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में, इसीलिए मैं भी चाहती हूँ कि आप जो है अच्छे से इंग्लिश बोलना और लिखना सीख जाएं। और रीडिंग जो है वो तो खैर आनी ही चाहिए, वो तो अगर आप यहाँ पर हो तो आपको रीडिंग तो इसका मतलब आती ही है। तो इसीलिए मैं जो है कुछ ना कुछ एफर्ट करती रहती हूँ अपने इस चैनल पर, ताकि आप लोग जो है ना इंग्लिश अच्छे से बोलना सीख जाएं और कॉन्फिडेंट फील करें। क्योंकि जब आप नॉलेज जब आपकी बढ़ेगी ना, तो आप कॉन्फिडेंट अपने आप ही फील करोगे। कॉन्फिडेंस आता ही तभी है जब आपकी नॉलेज बढ़ती है, जब आप अच्छे से इंग्लिश बोल पाते हो, जब आप इंग्लिश अच्छे से लिख पाते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जो कि है ट्रांसलेशन की। एक बार फिर से लेकर आई हूँ, जिसमें हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना सीखेंगे। कोई भी ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनकी इंग्लिश आप चाहते हो कि मैं अपने इस चैनल पर लूँ, अपनी इन वीडियोज़ में लूँ, तो वो वाले सेंटेंसेस आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। मैं उनकी इंग्लिश भी जो है, जो भी व्यूअर्स मुझे भेजते हैं सेंटेंसेस, उनकी इंग्लिश जो मैं बता देती हूँ अपनी आने वाली वीडियोज़ में। तो अगर आप भी हो जिनको कुछ सेंटेंसेस चाहिए इंग्लिश में, तो मैं सेंटेंसेस आपको इंग्लिश ज़रूर बता दूंगी उन सेंटेंसेस की, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट सेंटेंस है, कल बहुत तेज़ बारिश हुई। कल बहुत तेज़ बारिश हुई मतलब जो बीत गया कल है। आपको मैंने पहले से बताया हुआ जो बीत गया कल है, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, येस्टरडे, ठीक है। तो येस्टरडे इट रेन्ड वेरी हैवीली, कि कल बहुत तेज़ बारिश हुई। अब जो येस्टरडे है, येस्टरडे को आप इधर भी ला सकते हो, ठीक है। इट रेन्ड वेरी हैवीली येस्टरडे, कल बहुत तेज़ बारिश हुई। लेकिन अगर बहुत नहीं भी लिखना तो क्या करोगे, वेरी को हटा दोगे, ठीक है। इट रेन्ड हैवीली येस्टरडे, येस्टरडे इट रेन्ड हैवीली मतलब कल तेज़ बारिश हुई, तो हैवीली वेरी बहुत तेज़ बारिश हुई, तो उसके लिए वेरी होता है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया। अभी मैं आपको लास्ट वाला सेंटेंस पहले करवा देती हूँ, क्योंकि वो इसी से रिलेटेड है। बाद में मुझे ध्यान आया कि मुझे ये भी करवाना चाहिए था, तो मैंने एंड में फिर ये वाला सेंटेंस भी ले लिया। कल बहुत कम बारिश हुई थी, जैसे ये तो था पहले वाला करवाया कि जिसमें बहुत तेज़ बारिश हुई थी, लेकिन जब कम बारिश हुई, बहुत कम, क्या कल बारिश हुई थी, बहुत कम, ऐसे हम बोलते हैं ना, है ना। तो जैसे कल बहुत कम बारिश हुई थी, तो इसकी इंग्लिश होगी इट रेन्ड वेरी लिटिल येस्टरडे, वेरी लिटिल, जैसे कल बारिश हुई थी, वेरी लिटिल, बहुत कम। और अगर पूरा सेंटेंस बोलना है तो इट रेन्ड वेरी लिटिल येस्टरडे, और सेम बात येस्टरडे को आगे भी ला सकते हैं, येस्टरडे इट रेन्ड वेरी लिटिल, और वेरी को हटा भी सकते हैं, कल कम बारिश हुई थी, कल इट रेन्ड लिटिल येस्टरडे, ठीक है। तो नहीं तो हम ज़्यादातर यही बोलते हैं कि बहुत कम बारिश हुई थी, कल तो इट रेन्ड वेरी लिटिल येस्टरडे, ठीक है। तो चलो अब अगले सेंटेंस पे चलते हैं। क्या यह बस रेलवे स्टेशन जाती है, बहुत बारी हमें सब पूछना पड़ता है ना, क्या यह बस रेलवे स्टेशन जाती है, तो उसकी इंग्लिश होगी डज दिस बस गो टू रेलवे स्टेशन, डज दिस बस गो टू रेलवे स्टेशन क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर जब आप लिखेंगे और जब बोलेंगे तो आपके फेस पे एक्सप्रेशन रहना चाहिए कि आप एक क्वेश्चन पूछ रहे हो। डज दिस बस गो टू रेलवे स्टेशन, क्या ये बस रेलवे स्टेशन जाती है या बस स्टैंड जाती है, जहाँ आपने एयरपोर्ट लिखना हो, जो भी आपने कुछ भी जो बोलना है, जैसे वहां पर आप लिख सकते हो कि वहां पर जाती है ये बस, तो रेलवे स्टेशन की जगह वो चीज लिख देनी है आपने। ट्रेन की, बस की बजाय ट्रेन भी लिख सकते हो आप, जो भी आप लिखना चाहो, ठीक है। तो यह जैसे यह बस रेलवे स्टेशन जाती है, इसका आंसर तो आप ऐसे बोलोगे यस नो में, लेकिन अगर किसी को बताना है आपने कि यह बस रेलवे स्टेशन जाती है, तो उसकी इंग्लिश होगी दिस बस गोज टू रेलवे स्टेशन, कि यह बस रेलवे स्टेशन जाती है या एयरपोर्ट जाती है या बस स्टैंड जाती है आपने बोला, तो यहाँ पे दिस बस गोज टू, ठीक है। अब यहाँ पे गोज लिखा है हमने, क्यों लिखा है गोज, क्योंकि दिस बस के साथ गोज ही आएगा, ठीक है, वन थिंग है ना, एक चीज है दिस बस गोज टू। तो इसकी जो हमने क्वेश्चन बनाया था वो वाला क्वेश्चन ये कि क्या ये बस रेलवे स्टेशन जाती है, तो इसी का क्वेश्चन है ये बस रेलवे स्टेशन जाती है, क्या ये बस रेलवे स्टेशन जाती है, तो वो क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमने डज आगे लिख दिया, तो आप ये देखिए जहां पर गोज है ना, जैसे ई एस लगा हुआ है ना वर्ब के साथ, ई एस लगा हुआ है, तो वहां पर डज आ जाता है आगे, डज दिस बस गो, फिर गोज का गो बन जाता है, ठीक है। सो दिस बस गोज टू रेलवे स्टेशन, वैसे मैंने ये चीज बहुत सारी अपनी जो वीडियोज हैं जो जिनमें मैंने टेंसेस करवाए हैं उनमें भी बताई है, बट एक बार फिर से बता दी मैंने आपको। नेक्स्ट है, जैसे हम पूछते हैं किसी से क्या तुम्हें पिज्जा खाना पसंद है, अगर आपने किसी से पूछना है कि तुम्हें पिज्जा खाना पसंद है, क्या तुम्हें पनीर खाना पसंद है, क्या तुम्हें आइसक्रीम खाना पसंद है, जो भी आप इस चीज को रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। तो डू यू लाइक टू ईट पिज्जा,
डू यू लाइक टू ईट पिज्जा, टू ईट भी हटा सकते हो, सिंपली ये भी बोल सकते हो डू यू लाइक पिज्जा, ठीक है, टू नहीं भी। क्या तुम्हें पिज्जा, मतलब वही होगा, क्या तुम्हें पिज्जा पसंद है, तो पिज्जा पसंद है का क्या मतलब, खाना पसंद है, यही पूछना है ना हमने, है ना। क्या तुम्हें पिज्जा पसंद है अगर बोलेंगे तो खाना पसंद है यही, बट टू ईट के बिना भी सेंटेंस जो है बिल्कुल ठीक रहेगा। डू यू लाइक पिज्जा या फिर डू यू लाइक टू ईट पिज्जा, तो कुछ भी आप बोल सकते हैं और पिज्जा की बजाय कुछ भी आप लगा सकते हैं जो आपने किसी से पूछना है। नेक्स्ट है डज ही लाइक टू ईट पिज्जा, क्या उसे पिज्जा खाना पसंद है। जैसे कुछ हमने मंगवाना है, पिज्जा मंगवाने लगे हैं, ठीक है, लेकिन एक इंसान है जो अभी आया नहीं है और हमने पूछना उसके बारे में कि क्या उसको पिज्जा खाना पसंद है, तो डज ही लाइक टू ईट पिज्जा ए बॉय के लिए। अगर गर्ल के लिए लिखना है तो ही के बजाय क्या हो जाएगा, शी हो जाएगा, है ना। डज शी लाइक टू ईट पिज्जा या फिर डज ही लाइक पिज्जा, टू ईट हटा भी सकते हैं, डज ही लाइक पिज्जा तो या फिर डज ही लाइक टू ईट पिज्जा, ठीक है। तो इसमें जैसे कि अगर हमने ये बताना है कि उसे पिज्जा खाना पसंद है, उसे पिज्जा खाना पसंद है, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, ही लाइक्स टू ईट पिज्जा, ही लाइक्स टू ईट पिज्जा। ये देखियो यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर भी है ही लाइक्स टू ईट पिज्जा, जैसे वो था कि दिस बस गोज टू रेलवे स्टेशन, तो इसमें क्या है, ही लाइक्स, लाइक के साथ एस लग गया, वहां गो था तो इसलिए ई एस लगा, क्योंकि किसी के साथ ई एस लगाना पड़ता है, किसी किसी जगह सिर्फ एस से ही काम चल जाता है। तो यहाँ पे जब हम क्वेश्चन में, यही सेंटेंस क्वेश्चन में है ना, उसे पिज्जा खाना पसंद है, क्या उसे पिज्जा खाना पसंद है, यही है ना सेंटेंस, तो डज लग जाता है आगे, और लाइक्स का क्या बन जाता है, लाइक बन जाता है। तो ये मैं आपको साथ साथ इंग्लिश बोलनी तो सिखा ही रही हूँ, साथ साथ आपको करेक्ट वे में भी बोलनी सिखा रही हूँ, और ये भी करेक्ट वे में लिखनी भी सिखा रही हूँ एक तरह से, तो सारा काम जो है ना वो साथ साथ चल रहा है, ठीक है। तो आप थोड़ी थोड़ी चीजें समझ लीजिए, फिर भी कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की ट्राई करती हूँ और करती भी रहूंगी। कुछ भी डाउट है ना अगर, तो पूछने में बिल्कुल हिचकिचाइए मत, क्योंकि आज अगर आपने पूछ लिया तो कल आप कॉन्फिडेंट फील करोगे, क्योंकि जब तक आपके डाउट क्लियर नहीं ना होते तब तक आप कॉन्फिडेंट फील कर ही नहीं पाओगे। तो ये सेंटेंस मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया, ये लास्ट वाला था। आई होप वीडियो पसंद आया होगा, आया तो लाइक के बटन को प्रेस कर देना, मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, इसी तरह की वीडियोस मैं लेके आती रहती हूँ जिससे आपकी नॉलेज भी बढ़े और आपका कॉन्फिडेंस भी, नॉलेज बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस। तो चलिए करते हैं अब गुड बाय, जल्दी ही मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।